बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर कंप्यूटर साइंस का बेटा। आज हम आपका 10th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका अरेज। तो आज हम अरेज को देखेंगे कि अरेज क्या चीज़ है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी देखें और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों देखें। देखें कि हमने बेसिक में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा था कि हम दो जो हैं टर्म्स यूज करते हैं, एक कांस्टेंट और सेकंड वेरिएबल। ये हमने क्या कहा था कि ये क्या चीजें हैं, कांस्टेंट और जो वेरिएबल है ये हैं मेमोरी लोकेशंस, ठीक हो गए, या इनको आप कह सकते हैं मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स। अच्छा, ये मेमोरी सेल क्या चीज है? हमने पढ़ा था कि मेमोरी सेल जो है ये डेटा को किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो अरे है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो एक कम्बिनेशन आप जो है एक जो है आप वेरिएबल यूज करते हो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। फर्ज करें कि हम ये वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हमने वैल्यू साइन कर दी 10, ठीक हो गया। तो जब एक से ज्यादा हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो उसको कहेंगे कि अरे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है ये बनती है, अरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर वन काइंड ऑफ डेटा। अरे क्या है? अरे जो है एक कम्बिनेशन है किस चीज का, वेरिएबल का। अरे जो है मुतग़य्यिरात का मजमुआ है जो एक ही किस्म का डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर वन काइंड ऑफ डेटा। अरे जो है एक ही तरह का, अरे जो है कम्बिनेशन है वेरिएबल्स का जो एक ही किस्म का डेटा स्टोर करता है। अच्छा, इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अरे के रिलेटेड वो ये है। पॉइंट नंबर 1 जो है, अरे आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। ये जो है अरेज जो है ये मेमोरी किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में अरे जो है स्टोर होती है। सेकंड जो है, अरेज कैन बी स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यूज व्हिच कैन बी रेफर्ड बाय सिंगल नेम। कि आप अरे का एक नाम रख सकते हैं, अरे एक सिंगल अरे जो है वो उसका आप जो है एक नाम रखेंगे और उसमें मल्टी टाइप जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। थर्ड है इसके, एन अरे स्टोर्ड सिंगल टाइप ऑफ डेटा। एक जो काइंड है अरे की, एक अरे जो है वो एक ही किस्म का डेटा स्टोर करेगी, ठीक हो गया, एक ही किस्म की वैल्यूज को स्टोर करेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसका एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। देखें, ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड ए सिंगल वैल्यू दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अरे। अब देखो कि अरे तो हमने पढ़ ली कि क्या चीज है, ये अरे का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया, ये एक अरे है, ये एक अरे है, ये एक अरे है, ये एक अरे है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका ढांचा है कि अरे ऐसी होती है। अब इसके एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि एक अरे के एलिमेंट्स क्या क्या चीज है। देखें कि ये जो चीज है, एक अरे है, ये उसके मेमोरी लोकेशन है, ठीक हो गया, ये अरे ए है, तो इसके ये जो है ये बॉक्स इसके जो है मेमोरी लोकेशन है, और ईच मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर होगा वो उस अरे का एलिमेंट होगा, उस अरे का हिस्सा होगा, ठीक हो गया। तो ये एक अरे ए है, ये इसके अंदर ये मुख्तलिफ चार इसके मेमोरी सेल्स हैं, ये मेमोरी लोकेशंस हैं जिनमें डेटा सेव किया गया है, और इसमें मौजूद इन मेमोरी सेल्स में जो डेटा जो वैल्यूज पुट की गई हैं उन वैल्यूज को हम एलिमेंट ऑफ एन अरे कहेंगे। नेक्स्ट जो है अरे के रिलेटेड तीसरा टॉपिक जो बेटा है वो है टाइप्स ऑफ अरे। अरे जो है दो तरह की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरे, सिंगल डायमेंशन अरे और मल्टी डायमेंशन अरे, ठीक है। अब सिंगल डायमेंशन जो है और मल्टी डायमेंशन, इसका फर्क हम पढ़ेंगे कि किस तरह। तो जो सिंगल डायमेंशन अरे है, ए वन डायमेंशनल अरे आर सिंगल डायमेंशन अरे, वन डायमेंशनल अरे या सिंगल डायमेंशनल अरे जो है, सिंगल डायमेंशन अरे इज अ टाइप ऑफ लीनियर अरे। ये लीनियर अरे की एक टाइप है, इट हैज ओनली वन रो एंड आर ओनली वन कॉलम। ऐसी अरे जो एक कतार रखती हो या एक कॉलम रखती हो उसको हम सिंगल डायमेंशन अरे कहेंगे, ठीक हो गया। ए रो विच कंसिस्ट ऑन वन रो आर वन कॉलम इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशन अरे, ठीक हो गया। तो ये एक अरे है सिंगल डायमेंशन, ये देखें एक अरे है, एक ही इसके अंदर रो है, रो जो है एक ही है। अब ये भी सिंगल डायमेंशन अरे है, ये एक अरे है, एक ये कॉलम की शक्ल में अरे है, ठीक हो गया, और एक ही कॉलम है।
अब आ गया नेक्स्ट जो है दूसरी टाइप अरे की, वो है मल्टी डायमेंशनल अरे। तो बेटा मल्टी डायमेंशनल अरे एक ऐसी अरे है जो एक से ज्यादा कितारे या कॉलम्स रखती हो। तो देखो ये मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे दैट कंसिस्ट ऑन मोर देन वन रोज आर कॉलम्स। ऐसी अरे जो एक से ज्यादा कॉलम या कितारे रखती हैं रखती हो वो मल्टी डायमेंशनल अरे है। ये देखें एक अरे है मल्टी डायमेंशनल अरे है, एक से ज्यादा इसमें देखें एक से ज्यादा जो है इसके अंदर रोज है, और ये जो है कॉलम वाली जो मल्टी डायमेंशनल अरे है इसमें दो कॉलम है, ठीक हो गया। अच्छा तो ये था आज का आपका लेक्चर। तो अरे का कंसेप्ट आपने समझने की कोशिश करनी है कि अरे है क्या चीज है। इसको फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अरे जो है, अरे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, अरे जो है एक वेरिएबल्स का मजमुआ है। अच्छा एक और चीज फर्ज करेंगे, ये देखें एक वेरिएबल है, वेरिएबल आप ले लेते हैं ए, ठीक हो गया। इसको वैल्यू आपने साइन कर दी बेटा 10। अब देखें कि हमारे पास जो है अल्फाबेटिक्स जो है, हमने कांस्टेंट और वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट जो है ऐसी मिकदारें हैं जिनको एक दफा वैल्यू साइन कर दी, आप एग्जीक्यूशन के बाद या दौरान उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल जो है ये ऐसी मिकदारें हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू आप एग्जीक्यूशन के बाद भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 3 जो है इसके एसोसिएट है, इसके रिलेटेड है, आपने उसको देखना है। तो हमने पढ़ा था कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू क्यों देते हैं, ताकि जो मेमोरी लोकेशन में वो जो वैल्यू है वो सेव हो जाए और बार बाद में उसको हम इस्तेमाल कर सके। अब देखेंगे उसको वेरिएबल को नाम देने के कुछ असूल थे, हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में, आप उनको देखिएगा। तो ए एक वेरिएबल है, ठीक है, हमने 26 अल्फाबेट्स हैं। तो एक प्रोग्रामिंग जो है एक लेंथी प्रोसेस है, लाइन ऑफ कोडिंग जो है काफी लंबी, हजारों की तादाद में लाइन ऑफ कोडिंग होती है। तो उसमें आप जो है 26 वेरिएबल जो है वो यूज नहीं कर सकते, आपको बहुत हजारों की तादाद में वेरिएबल जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उसका हल जो है वो अरे फंक्शन की शक्ल में जो है प्रोग्रामर्स ने निकाला है। इसमें क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल है ए, उसको वैल्यू साइन कर दी 10। अब आप क्या करेंगे, आपने वेरिएबल यही रखना है और इसका जो है इंडेक्स नंबर जो है वो चेंज कर देना है, इंडेक्स नंबर चेंज करके इसको वैल्यू साइन कर देनी है। तो एक ही वेरिएबल को आप इंडेक्स नंबर चेंज करके एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा जो है वैल्यूज आप सेव कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अरे के रिलेटेड। इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।